हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सोमवती अमावस्या बोलते हैं, वही था सोमवती अमावस्या, हाँ शायद यही बोलते हैं। तो वही मैं सुबह में गई थी फेरे लेने के लिए। पीपल के गाछ का फेरा लिया जाता है, आपकी जितनी मर्जी उतनी लीजिए। मन करे तो 108 लीजिए, या 21 लीजिए, 11 लीजिए, या जितना मन करे उतना लीजिए। उसी का सिंदूर अभी तक देखिए पूरा मांग में लगा है। तो क्या हुआ ना कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह में उठी थी तो मुझे बहुत नींद लग रहा था, तो मैं दिन नींद लग रही थी नहीं बोलती हूँ, क्या क्या समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। तो मैं सुबह में सो गई थी, और मैं जब सुबह में नहीं सोई, 1 बजे करीब सोई, और 1 बजे सोई तो मैं डायरेक्ट उठी शाम के 3:30 बजे। बहुत लेट से उठी। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए खाना गर्म कर रही हूँ, क्योंकि 4 से ज़्यादा हो गया, बच्चों का आने का टाइम हो गया। तो मैं 3:30 बजे करीब उठी, वो भी ज़बरदस्ती उठी। मुझे इतना नींद लग रहा था, पता नहीं लग रहा था, नासा के जैसा हो गया है। और उसके बाद थोड़ा सा चाय बना कर पी, और उसके बाद घर में झाड़ू वाड़ू लगाई और किचन में आई खाना गर्म करने के लिए, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया है। तो आप सबको सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज सोमवार के दिन पड़ा था, बहुत अच्छा पड़ा था। मतलब इसमें लोग व्रत भी मतलब रहते हैं, लेकिन हम लोग व्रत नहीं किए। हम लोग सिर्फ फेरा देकर और वहाँ से आने के बाद खाना उना खा लिए थे। तो कितना व्रत करें, व्रत करते करते मन मतलब वो हो गया, थक गया है। अब एकादशी पड़ जाता है, परसों शिवरात्रि पड़ गया, और कल हम लोग पारण किए, फिर आज व्रत। तो कैसे होता, और ये मेरा ठीक हो गया है, हल्का हल्का बचा है देखिए। तो मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, और आज मैं कहीं मार्केट भी जाऊँगी, क्योंकि घर में कुछ भी सब्जी नहीं है, सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई है। तो मुझे तरकारी मतलब हरी सब्जी जो होता है वो खरीद कर लाना है। तो मुझे एक दो और काम है, तो मैं सोची कि मैं ही जाऊंगी, वो भी काम करूंगी। और दो मैं नाइटी सिलाने के लिए नाइटी का कपड़ा लाई हूँ, तो कपड़ा नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट नाइटी सिला जाएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि गर्मियों का दिन आ गया, घर में पहनने के लिए मेरे पास कोई गाउन नहीं था, तो मैं वही सिलाने के लिए ले आई। हम लोग नाइटी भी बोलते हैं, गाउन भी बोलते हैं। तो चलिए, मैं बक बक नहीं करूँगी इस ब्लॉग को, देखिए मैं कहाँ तक कंटिन्यू करती हूँ। और होगा तो शाम को चिकन आएगा तो बनेगा, तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। मैं तो नहीं खाऊंगी, बच्चे खाएंगे, बच्चों के पापा खाएंगे, क्योंकि शिवरात्रि के दिन, मतलब शिवरात्रि के दिन कौन सा दिन पड़ा था, उस दिन सबका छुट्टी था, तो छुट्टी वाले दिन इनका बहुत मन करता है खाने के लिए। लेकिन मैं बोली कि नहीं, आज के दिन मत खाइए, तो नहीं खाए थे लोग, लेकिन आज तो ज़रूर खाएंगे, आज ये लोग नहीं मानेंगे। तो वो बनाऊँगी, और उसके बाद रोटी वोटी बना दूंगी, हो जाएगा। और मेरा मैं देखूंगी, कुछ खा लूंगी, तो ब्लॉग में बने रहेगा, इसको मैं कंटिन्यू करूंगी। और मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत मुश्किल से अपना वज़न कम की थी, लेकिन फिर मेरा वज़न बहुत बढ़ गया। कोई भी कपड़ा मैं जब पहन रही हूँ तो एकदम मतलब बॉडी में चिपक जा रहा है, बहुत फिटिंग कपड़ा हो रहा है। तो देखिए, मेरा वज़न भी कुछ कम करना पड़ेगा। मैं 65 किलो की, मतलब 65 किलो मेरा वज़न हो गया है, तो इतना वज़न नहीं ठीक होता है। कम से कम मेरा जितना हाइट है उसके अनुसार मेरा वज़न होना चाहिए था आपको 55 किलो, लेकिन 10 किलो वज़न मेरा बहुत ज़्यादा है। तो 20 में मैं कम कर ली थी, और इस बार पता नहीं, इस साल फिर बढ़ गया। पिछले साल मेरा वज़न कम था, इस साल बढ़ गया। तो देखिए, इस साल फिर कम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, ब्लॉग में बने रहिए, बच्चे आएंगे अब। देखिए, उस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, अब डायरेक्ट मैं शाम को मिल रही हूँ, शाम के बज रहे हैं 6:30, और मैं अभी जा रही हूँ मार्केट वही सब्जी उब्जी लेने के लिए। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और न्यू फ्रेंड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कल, तो बच्चे आ गए ट्यूशन पढ़ के, तो चलिए मैं मिलूँगी कल, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।